किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे। बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी। रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लेकिन ये दाव मोदी गवर्नमेंट के काम नहीं आया क्योंकि किसानों ने 13 फरवरी को ही फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि 200 से ज़्यादा फार्मर यूनियन मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स की टोटल 13 मांगे हैं, जिसके लिए फार्मर एक बार फिर से प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के ऊपर अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रेशर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन सही है या कौन गलत है, इस चीज़ की बात ना करते हुए हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी 2021 में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें कि मोदी गवर्नमेंट को फार्मर्स के सामने घुटने टेकने पड़े थे और अपने 3 बिल वापस लेने पड़े थे जो मोदी गवर्नमेंट ने संसद में पारित करवाए थे। किसानों को ये डर था कि इन बिल्स की वजह से MSP खत्म हो जाएगा और सारा कंट्रोल बड़ी कंपनियों के हाथ में आ जाएगा, और इसी के लिए किसानों ने लगातार एक साल तक आंदोलन किया, जिसकी वजह से आखिरकार गवर्नमेंट को 3 बिल वापस लेने पड़े और गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो MSP पे गारंटी देगी, और इसी वजह से किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो MSP को लेकर वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए और गवर्नमेंट को उसके वादे याद करवाने के लिए वो एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों ने टोटल 13 डिमांड्स रखे हैं गवर्नमेंट के सामने, एक एक करके देखते हैं कि ये डिमांड्स हैं क्या। फर्स्ट डिमांड है लॉ फॉर MSP। ये किसानों की सबसे बड़ी डिमांड है और किसान चाहते हैं कि गवर्नमेंट MSP की गारंटी के लिए एक कानून बनाए। अभी होता यह है कि जब कोई किसान कोई फसल उगाता है तो उसे बेचने के लिए वो मंडी में जाता है, अब मंडी में जो रेट होता है उसे वो फसल उसी रेट पे बेचनी पड़ती है। जब कोई फसल पैदा होती है तो वो बल्क में पैदा होती है, क्योंकि किसी भी फसल को उगाने का एक सीजन होता है। जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं को उगाने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, सारे के सारे किसान उसी टाइम पे गेहूं उगाते हैं और इसी वजह से वो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे सबकी गेहूं पक्के तैयार होती है और सारे के सारे किसान एक ही टाइम पे जाके उसे मंडी में बेचने जाते हैं। तो इससे गेहूं की सप्लाई बल्क में आ जाती है और बल्क में सप्लाई होने की वजह से उसका जो रेट है वो कम मिलता है। इसकी वजह से किसानों को अपनी फसल होलसेल के रेट पे बेचनी पड़ती है, तो इस सिनारियो में जो फसल खरीदता है उसको फायदा होता है, ना कि बेचने वाले को। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि किसान जो है वो कीमत लेने वाले बन जाते हैं, ना कि कीमत तय करने वाले। किसानों का कहना है कि वो अपनी फसल का रेट खुद नहीं तय कर पाते हैं और ना ही उनके पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी फसल का MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर सकें, जैसा कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में होता है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ा दिया जाता है और किसानों को अपनी फसलें होलसेल रेट में बेचनी पड़ती हैं, लेकिन किसी फसल को उगाने के लिए जो उनको चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि सीड्स, डीजल, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें उन्हें रिटेल प्राइसेस पे खरीदनी पड़ती हैं। स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल का 1.5 गुना रेट देने की बात कही थी। किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे रही है, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना भूल गई है। किसान चाहते हैं कि MSP की गारंटी के लिए कानून बने और ये उनकी सबसे बड़ी मांग है। किसानों की दूसरी डिमांड है कि किसानों पे चल रहे केसेस वापस लिए जाए। जब फर्स्ट प्रोटेस्ट हो रही थी तो उस टाइम 8,000 से 10,000 केसेस हुए थे प्रोटेस्ट करने वालों पे, और किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि ये सारे के सारे केसेस वापस लिए जाए। हालांकि कुछ केसेस वापस लिए गए थे, लेकिन अभी भी हजारों केसेस पेंडिंग हैं। थर्ड डिमांड है लखीमपुर खेड़ी मामले में किसानों को मुआवजा। 2021 में लखीमपुर में प्रोटेस्ट करते हुए 4 सिख किसान मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ होम अजय मिश्रा की गाड़ी के नीचे कुचल के मारे गए थे। फार्मर की डिमांड है कि गवर्नमेंट इनके परिवार वालों को गवर्नमेंट जॉब दे और दोषियों को सजा दी जाए। और किसानों की फोर्थ डिमांड है कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। किसानों की फिफ्थ डिमांड है लैंड एक्विजिशन एक्ट फिर से इंप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जब कोई लैंड किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज करती है तो उसकी कंपनसेशन लोगों को मिल सके। और किसान ये भी डिमांड करें कि डेवलप्ड लैंड्स पे 10% प्लॉट्स उनकी फैमिली के लिए रिजर्व होने चाहिए। किसानों का कहना है कि अभी लैंड एक्विजिशन पे उन्हें जो कंपनसेशन मिलती है वो बहुत ही कम होती है, अभी उन्हें उनकी लैंड का 5-7% ही मिलता है, और बीते सालों पे वो कम रेट पे लैंड एक्वायर किए जाने की वजह से ऑलरेडी काफी नुकसान झेल चुके हैं। सिक्स डिमांड है कम आउट ऑफ WTO। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 164 कंट्रीज मेंबर है और इंडिया भी 1995 से WTO का हिस्सा है। फार्मर चाहते हैं उन्हें MSP पे गारंटी मिले और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं वो इसके टोटली अपोजिट हैं, और इंडिया ने भी WTO को कहा है कि वो MSP पे गारंटी नहीं देगी, और इसीलिए फार्मर चाहते हैं कि इंडिया WTO से बाहर आए
और फार्मर ये भी चाहते हैं कि इंडिया सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल कर दे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है कि जब एक कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में बेचा जाता है तो उस पे मिनिमम या बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर मान लो कोई चीज किसी कंट्री में सस्ती बन रही है, हो सकता है वहां पे लेबर सस्ती हो या उस चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो वहां पे सस्ता हो, और अगर कोई सेम चीज इंडिया में बना रहा है तो यहां पे लेबर महंगी होने की वजह से या रॉ मटेरियल होने की वजह से हो सकता है वो चीज जब बन के आती है तो वो महंगी बन के आती है। अब उस चीज़ को इंडिया अगर किसी दूसरी कंट्री से खरीदता है और वो सस्ते में मिलती है तो यहाँ पे जो लोग उसे बना रहे हैं उनको नुकसान होगा। उनको या तो वो चीज़ सस्ते में बेचनी पड़ेगी या उनको वो काम धंधा छोड़ के कोई नया काम देखना पड़ेगा। इसलिए फार्मर चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सारे के सारे कैंसिल कर दे ताकि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो आराम से काम कर सकें, किसी बाहर की बड़ी कंपनी के नीचे आके या उनके दबाव में काम ना करें। फार्मर्स की नेक्स्ट डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2020 को खारिज किया जाए। इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस डिमांड के हिसाब से वेरी होंगे। दैट मींस कि अगर कोई पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है तो उसे ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। किसानों की नेक्स्ट डिमांड मनरेगा को लेके है, जिसमें कि किसान डिमांड कर रहे हैं कि एक साल में मिनिमम 200 डेज की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और डेली वेज मिनिमम 700 होनी चाहिए। किसानों की नाइन्थ डिमांड है सीड्स क्वालिटी को लेके, जिसमें किसान डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करे और जो कंपनीज फेक सीड्स और फेक पेस्टिसाइड बनाती है उस पर अपना शिकंजा कसे और ऐसी कंपनीज पे पेनल्टी डाले। और अपनी नेक्स्ट डिमांड में फार्मर मिर्च हल्दी और मसालों के लिए एक अलग से नेशनल कमीशन गठन करने की मांग कर रही है। और किसानों की नेक्स्ट डिमांड है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। फार्मर चाहते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज को बिलोंग करने वाली लैंड, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे। और किसानों की 12th डिमांड है पेंशन फॉर फार्मर्स। इसमें किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि किसान और किसान मजदूरों के लिए 60 साल की उम्र के बाद 10,000 पर मंथ की पेंशन लगनी चाहिए। और किसानों की नेक्स्ट डिमांड है कि किसानों को पॉल्यूशन एक्ट के बाहर रखा जाए। गवर्नमेंट का इन सारी डिमांड्स पे और इस प्रोटेस्ट पे ये कहना है कि अभी तक कोई सोल्यूशन इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि हर बारी किसान अपनी जो डिमांड की लिस्ट है वो बढ़ा देते हैं। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हम 13 में से 10 डिमांड मानने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन किसान नेगोशिएट करने को तैयार ही नहीं है, तो इस वजह से कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि एमएसपी की डिमांड की वजह से देश पे एडिशनल 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा जो कि अभी इकोनॉमिकली पॉसिबल ही नहीं है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी अनाउंस कर रही है लेकिन किसानों का कहना है कि इसका फायदा सिर्फ 5-7% फार्मर ही उठा पाते हैं और एमएसपी एक पॉलिसी है, लॉ नहीं है, तो इस वजह से किसान इसके अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं पाते। किसानों का ये भी कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट एमएसपी कैलकुलेट करती है वो स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं करती है, जिसकी वजह से एमएसपी जो है वो 15-20% कम होती है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने डिक्लेयर किया कि 13 फरवरी यानी कि ट्यूजडे को वो दिल्ली के लिए मोर्चा निकालेंगे क्योंकि जो फार्मर यूनियन लीडर्स और गवर्नमेंट के बीच जो डिस्कशन हुआ था चंडीगढ़ में उसमें कोई फैसला नहीं निकल पाया। और इसके बाद दिल्ली की बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी टाइट कर दी गई, कंक्रीट के बैरिगेट्स, टायर बस्टर, कंटीली तारें और बॉर्डर्स को टोटली ब्लॉक कर दिया गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने 15 डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 लागू कर दी और 7 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी जो कि 17 फरवरी तक बंद रहेंगी। और 12 फरवरी की शाम होते होते दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर को सील कर दिया गया और साथ में यूपी और दिल्ली की बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। इस पे प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये अमृतकाल है या अन्याय काल। 12 फरवरी की रात को अमृतसर से ट्रकों और ट्रैक्टर में फार्मर्स दिल्ली के लिए चल पड़े। कर्नाटक के सीएम शिव कुमार ने कहा कि फार्मर्स के पास पूरे राइट्स और पूरे रीजन है प्रोटेस्ट करने के। बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोदी क्यों किसानों की इन डिमांड को मान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मैंने किसानों की सारी डिमांड को स्टडी किया है और ये सारी की सारी मांगे जो है वो देश के हित में है। और राहुल गांधी ने कहा कि प्रोटेस्टिंग फार्मर उसी तरह से लड़ रहे हैं जैसे कि बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि पंजाब की गवर्नमेंट चाहती तो फार्मर्स को पंजाब में ही रोक सकती थी। सीएम खट्टर का कहना है कि हमें किसानों के दिल्ली जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उन्होंने जो तरीका जो मेथड यूज किया है दिल्ली जाने का उन्हें उससे प्रॉब्लम है। किसान चाहते तो ट्रेन से या बसों से दिल्ली जा सकते थे लेकिन वो जा रहे हैं ट्रकों और ट्रैक्टर में जो कि एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है। जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन्स बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं। लेकिन फार्मर्स ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई किसान कोई काम नहीं करेगा, कोई किसान खेतों में नहीं जाएगा, कोई मजदूर खेतों में नहीं जाएगा और कोई भी एग्रीकल्चर का काम नहीं होगा। किसानों ने कई जगह पे रेलवे ट्रैक्स को भी ब्लॉक किया है और टोल्स को भी ब्लॉक किया है। देखने वाली बात यह है कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगी और किसान कब तक अपनी डिमांड्स पे
अड़े रहते हैं और गवर्नमेंट इस आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या करती है, और आपको क्या लगता है कि किसानों की इन 13 डिमांड में से कौन कौन सी डिमांड सही है और गवर्नमेंट को कौन सी डिमांड्स माननी चाहिए और गवर्नमेंट को इस आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आई होप इस वीडियो से आपके किसान आंदोलन को लेकर कुछ पॉइंट तो जरूर क्लियर हुए होंगे। और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।